हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित दुर्ग जिला के बारे में। तो दोस्तों, वीडियोस को पूरा देखिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, दुर्ग जिला, यह जिला भारत देश के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित छत्तीसगढ़ के कुल 28 जिलों में से एक दुर्ग जिला के नाम से जाना जाता है। दुर्ग जिला का हेडक्वार्टर ऑफिस दुर्ग शहर में ही मौजूद है, और दुर्ग जिला होने के साथ साथ दुर्ग मंडल का हेडक्वार्टर भी है, और दुर्ग जिला दुर्ग मंडल के अंतर्गत आता है। दुर्ग जिला पहले रायपुर जिले का एक तहसील हुआ करता था, लेकिन अब दुर्ग जिला को रायपुर से अलग कर दिया गया है। इस जिले की स्थापना सन 1906 में हुई थी। दुर्ग जिला के उत्तर दिशा में बेमतरा जिला, पूर्व दिशा में रायपुर जिला, दक्षिण व पूर्व दिशा में धामतरी जिला, पश्चिम दिशा में राजा नंदागांव जिला, और पश्चिम दिशा में बालोद जिला से घिरा हुआ है। दुर्ग जिला में 3 तहसील, 13 ब्लॉक, 9 शहर, 1 लोकसभा, 10 विधानसभा, 31 सरकारी अस्पताल, 9 नगर पालिका, 1 नगर परिषद, 3 नगर पंचायत, 28 पुलिस स्टेशन, 24 बैंक, 297 ग्राम पंचायतें और 1798 गांवों में बटा हुआ है। क्षेत्रफल की बात करें तो दुर्ग जिले का कुल क्षेत्रफल 2238 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और आबादी की बात करें तो दुर्ग जिला की कुल आबादी 17,21,948 है, जिसमें कि पुरुष की कुल आबादी 8,75,813 व महिला की कुल आबादी 8,46,135 है। दुर्ग जिले का औसत लिंगानुपात 988 के करीब है, यानी कि दुर्ग जिला में 1000 पुरुष पर 988 महिला हैं। दुर्ग जिला के मुख्य नदी का नाम शिवनाथ नदी है। शिवनाथ नदी के किनारे पर बसा यह जिला छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से महज 39 किलोमीटर तथा देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 1247 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। शिक्षा की बात करें तो इस जिला में कई ऐसे स्कूल हैं व कॉलेज जिसके माध्यम से यहाँ के लोग अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इस जिले के कुछ महत्वपूर्ण स्कूल व कॉलेज के नाम इस प्रकार हैं: इंदिरा गांधी शासकीय कला व वजिक महाविद्यालय, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी महाविद्यालय, छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय, ये सभी इसी जिला में मौजूद हैं। दुर्ग जिले की साक्षरता दर 80% है, यानी कि यहाँ की आबादी के अनुसार 80% लोग पढ़े लिखे हैं। पर्यटन स्थल की बात करें तो यहाँ के पर्यटन स्थलों में शुमार कैवल्य धाम, जैन मंदिर, शिव मंदिर, गंगा माया मंदिर आदि नामों से लोग काफी वाकिफ हैं। सड़क मार्ग की बात करें तो नेशनल हाईवे संख्या 6 इसी दुर्ग जिला से होकर गुजरती है। रेलवे स्टेशन की बात करें तो इस जिला के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम दुर्ग जंक्शन रेलवे स्टेशन है। तो दोस्तों, दुर्ग जिला के बारे में आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियोस पूरा देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।